एक दिन की बात है, भीमदायक जी और उनका भीमटा बातें कर रहे थे। पापा, मैं यूट्यूब पर आपको देखता हूँ, पर सारे वीडियो में गुलाम भी कुछ बोलते हो आप। ये गुलाम भी क्या होता है पापा? भीमटा, तुझे फोन कहाँ मिला? मैं तो तुझे अपना फोन नहीं देता, और तुझे यूट्यूब के बारे में कैसे पता चला? पापा, आप जब घर पर नहीं रहते हो तब डोगेश चाम चुआते हैं और मुझे अपना फोन दे देते हैं और मम्मी को लेकर दूसरे रूम में चले जाते हैं। ये ईमानदार चो मत डोगेश, तो खिलाड़ी निकला, कुछ तो करना पड़ेगा। पापा, क्या कसूर फसूर कर रहे हो? कुछ नहीं बेमटा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तू कितना भोमला है, घर पर सारा दिन बैठा रहता है और अपने छोटे ननू से खेलता है। तुझे दुनियादारी का कुछ समझ नहीं है? पापा, मुझे बाहर घुमाने ले चलो, मैं भी आपकी तरह गुलाम भी बाजी करूंगा। चुप कर लो मैं, गंदी बातें हैं ये, आगे से मत बोलना। ठीक है पापा, आप मुझे पार्क में घुमाने ले चलो, बाहर जाऊंगा तो मैं भी डोगेश अंकल की तरह, मेरा मतलब आपकी तरह स्मार्ट बन जाऊंगा। चल मेरे साथ, बैठ मेरे बूमलेट पर। भीमभाई कजी अपनी बेटे को लेकर चिम्सपुर की पार्क में ले गए। भीमटा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे सेमक्स के बारे में कुछ पता है? हाँ पांपा, बोलो आप क्या सीखना चाहते हो? अरे बहन चुम्मत, अपने बाप को सिखाएगा? पांपा, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे ये सब का क्या पता, पर पापा मुझे ये बताओ वो दो कुत्ते वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेमटा, वो लड़का कुत्ता उस लड़की कुत्ती को कुछ समझा रहा है। ये बात है पांपा, पर ये बात वो प्यार से भी समझा सकता है, गमंड फाड़ चुमदाई करने का क्या जरूरत है।